फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू और फ्रेंड्स आप लोगों की होली कैसी रही देखिए मेरी होली तो बहुत अच्छी रही और अभी मैं पूरी रंग कर जो है होली खेल कर आ गई हूँ और बस अभी जा रही हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद जो है फिर किचन में जाऊँगी खाना वगैरह जो भी बनाना है वो सारी चीज़ें करने वाली हूँ बट आप लोगों की कैसी रही आप जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे बनाते ना वो भी बताइएगा हमारे यहाँ तो बहुत सारे फंक्शन रहते हैं आ, मार्केट में जो है सभी जो नियर बाई के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं डीजे लगा होता है और बहुत सारे गेम्स वहाँ पर खिलाए जाते हैं बट ना फ्रेंड्स मैं नहीं गई मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपने नियर बाई जो कॉलोनी में है बच्चों के साथ होली खेली और बस इतना ही किया ऋषि गया हुआ है वहां पर वैसे जब हम भी बच्चे थे तो हम भी बहुत इंजॉय करते थे होली बट कहते हैं ना धीरे धीरे जब आदमी बड़ा होता जाता है ना तो वो इन चीज़ों से थोड़ा हटता जाता है तो ऐसा ही रहता है और वैसे भी ये तो फेस्टिवल है ही भाईचारे का प्रेम का अपने गिले शिकवे मिटाने का है ना अगर किसी के बीच में गीले शिकवे तो आज के दिन वो सारे भूल जाते हैं और वापस वही प्रेम जो है ना लोगों के बीच में आ जाता है तो भाई ये नफ़रत ये गिले शिकवे ये सारे किस चीज़ का है भाई पता नहीं चार दिन की जिंदगी है कब यहाँ से ऊपर जाना है तो भाई ये सारे जो अपने गिले शिकवे है मिटा कर अच्छे से प्रेम के साथ जो है एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मनाइए अपनी सारी ज़िंदगी इंजॉय कीजिए तो मैं भी इसी तरह से करती रहती हूँ और बाहर खुशी ढूँढने से बेटर रहता है कि अपने मन के अंदर से ही खुशी ढूँढिए और हर रोज़ जो है खुश रहने का एक नया बहाना ढूंढ लीजिए तो ही है वरना बाहर तो ज़िंदगी में आपको ताने मिलेंगे गालियाँ मिलेंगी और भी पता नहीं ना जाने क्या क्या मिलेगा सुनने के लिए तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए अपने मन से जो है खुश रहिए तो आप खुश रहेंगे और अपने जीवन को इसी तरह से रंगों से भर के रखिए तो आपका जीवन जो है ना बहुत ही अच्छा और सुखमय रह बीतेगा तो देखिए मेरा दिन तो आज का बहुत अच्छा रहा और अभी चलते हैं नहाते हैं फटाफट से और फिर जाते हैं किचन में एक्चुअली मुझे ना अभी नीरीज नीरज के लिए भी कुछ प्रिपेयर करना है उसको भेजना है आ, होली का आ, थोड़ा सा तो तो चलिए फटाफट जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए ना चलते हैं और आपके घरों में भी आज क्या क्या बना है ना आप जरूर शेयर कीजिएगा वैसे हमारे यहाँ तो अपनी जो स्पेशल डिशेज़ होती है ना वही बनती है आज के दिन बट मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बनाई क्योंकि आजकल ना वैसे भी ये टाइम ऐसा हो गया है ना कि हर एक चीज़ हम लोग डेली खाते पीते रहते हैं तो इसलिए इन चीज़ों को इतना खाने का मन नहीं करता और वैसे भी आज देखिए ना मेरा होली का त्यौहार जो है थोड़ा सा फीका पड़ गया है क्योंकि आज श्रीमान जी यहाँ पर नहीं है नीरज यहाँ पर नहीं है श्रीमान जी जो है संघ के जो वर्ग हैं दो दिन का वर्ग है उसके लिए गए हुए हैं वो आज शाम को आने वाले हैं तो उनके बिना भी हमारी होली आज अधूरी है तो, तो चलिए मैं भी चलती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ आगे और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स तो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तभी आप जो है इस तरीके अच्छी अच्छे अच्छी वीडियोस देखते रहेंगे तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और हमारे दिन की शुरुआत हमारी होली के त्यौहार की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी सबसे पहले सुबह नहा धोकर जो है भगवान को रंग चढ़ा दिए थे हमने रंग सभी जो है ना बारी बारी से आकर जो है अपने भगवान को हम रंग चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है जो कुछ भी हमने खाने के लिए बनाया होता है ना उसका भोग हम अपने देवी देवताओं को सबको जो है अर्पित करते हैं तब उसके बाद हमारी अगली दिनचर्या शुरू होती है फोटो भी खिंचा लो गुड कहाँ जाना आज हो, होली खेल मटकी फोड़ने बाजार ही जाना ठीक है ठीक है गुड और देखिए इन छोटे छोटे बच्चों की होली तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाती है और जब भी हम ना इन बच्चों को देखते हैं तो हमें अपने बचपन के दिन आ जाते हैं हम भी ऐसे ही रंग गुलाल पानी सबसे जो है जो भी हमें मिल जाए ना अपने फ्रेंड्स को रंगते थे और खूब इन्जॉय करते थे तो ये देखिए ये भी वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज होली के दिन हमारे किचन में क्या क्या बन रहा है तो ये मेरी दालें देखिए कितनी अच्छी भीग चुकी है धुली मूँगी है काबली चने यानी कि सफ़ेद चने और ये गूँध लेती हूँ आटा अपनी सवालियों के लिए कचौरियों के लिए तो इसके लिए मैं देखिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थोड़ा सा नमक डाला और इसको गूँधने के लिए ना मैंने जो ली है वो है लस्सी तो लस्सी के साथ जब भी हम आटा गूँथना बहुत ही अच्छा आटा गूँधता है और काफ़ी अच्छी फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ बनती है तो मैं जब भी आटा गूँती हूँ ना इस तरह की चीज़ों के लिए तो मैं हमेशा जो है लस्सी ही डालती हूँ ईस्ट जो है मार्केट से नहीं लाती नहीं डालती तो आटा गूँने के बाद उसको छोड़ दूंगी आधा घंटा रेस्ट पर और तब तक देखिए मेरा तड़का भी रेडी हो रहा है और साथ में बन रही है सेवैयाँ तो बस अभी देखिए इसको तड़का मेरा रेडी हो चुका है अब इसमें मैं डाल दूंगी चने तो ये अच्छे देखिए उबाल कर मैंने रख लिए थे और जब भी हम इस तरीके की कचौरियाँ या फिर पूरियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ काबली चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये देखिए ये मेरी बन रही है आप यहाँ पर सवालियाँ सालू भी बोलते हैं हम सवालियाँ भी बोलते हैं तो ये देखिए कितनी अच्छी ना फूली फूली बनी है कितना मतलब जब हमारी इस तरह की फूली फूली सी रोटी बनती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आटा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा गूनता है और जब भी आटा गूंधना है ना तो जोर लगा कर चाहिए तो उससे ना हमारी जो रोटी है काफ़ी सॉफ्ट बनती है और फुली फुली सी रोटी बनती है मेरी से बहुत से जो लोग हैं ना वो हमेशा पूछते हैं कि तेरी रोटियाँ ना इतनी अच्छी कैसे बनती है तो उसका यही कारण है कि हम आटे को अच्छे ढंग से गूँते तो हमारी रोटियाँ जो है इस तरह से बनती हैं और मूंग की दाल भी मैंने पीस ली है तब तक ये देखिए पीस लिए ग्राइंडर में और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारे मसाले और इसकी फिर मैं बनाने वाली हूँ छोटे छोटे भल्ले तो इसके लिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले तो मसाले में देखिए ना मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था इसमें जीरा धनिया लाल मिर्च पाउडर थोड़े से गरम मसाला थोड़ा सा हींग नमक और थोड़ा से जो है ना मैंने लहसुन के साथ जो है बड़ी इलायची कूट कर जो है इसमें ऐड की थी और हरा धनिया इसमें ऐड करके अच्छी से इसको काफ़ी जो है हम मैश करेंगे यानी कि घना जिसको हम बोलते हैं ना उसको अच्छी तरह से घेंगे जितना हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ना उतने ये सॉफ्ट हमारे बनेंगे तो ये मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद जो है मुझे बनाना है रायता और ये लहसुन और हरी मिर्च जो है मैंने जो सूख गई थी उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और रायता देखिए किस चीज़ का ये जो है हमारी खसरे की जो पिनिया है ना वो मैंने बॉईल करके रखी थी और इसी का जो है मैं रायता बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसको लस्सी के साथ दही के साथ अगर बनाए ना तो बहुत टेस्टी बनता है मैंने रायता बनाने के लिए ले रखी है लस्सी और उसमें ऐड कर रखी है थोड़ी सी दही और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक और ये है राई पाउडर और इसको मिक्स करके जो है मैंने कम से कम पाँच से दस मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद पाँच से दस मिनट होने के बाद फिर मैंने ये जो मसाले और जो पिनिया कूट कर रखी थी उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि एक एक पिनी जो है अच्छे से अलग हो जाए मिक्सअप हो जाए और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी कूट कर जो है ना इसमें ऐड की है ताकि हमारा गला वगैरह जो है खराब ना हो और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ऊपर से इसमें ऐड करेंगे कच्चा प्याज और हरा धनिया तो लाजवाब जो है रायता बनता है आप जरूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा तो चलिए रायता तो मेरा बन चुका था आप बना लेते हैं हम थोड़े से भल्ले तो ये देखिए मेरे मूंग दाल के जो भल्ले हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं वहाँ के भल्ले तो हम खाते हैं ना बट वो थोड़ा सा गैस्ट्रिक वगैरह कर ले हैं बट ये जो मूंग दाल के भल्ले होते हैं ना बहुत थी टेस्टी भी होते हैं और ऐसा नहीं है कि ये गैस्ट्रिक वगैरह के कुछ भी नहीं करते तो मैंने आज बनाए हैं ये भले और ये देखे ना कितने फूले फूले से जो है मेरे ये बन रहे हैं तो इसको भी जितना हम ज़्यादा घेंगे ना उतने ही हमारे ये सॉफ्ट भी बनेंगे और फूलेंगे भी तो ये मेरे बन चुके हैं देखिए फ्रेंड्स भले भी तो भाई इनको देखकर मुंह में पानी आना तो लाजमी है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए खाना तो मेरा सारा रेडी हो चुका है अब मुझे बनानी है स्वीट डिश और वैसे भी कहते हैं ना होली के दिन अगर हम गुजिया ना बनाए ना तो होली अधूरी ही लगती है तो होली की जो स्पेशल स्वीट डिश है वो गुजिया है बस वही मैं भी बनाने जा रही हूँ और ये देखिए उसकी स्टफिंग मैंने रेडी कर ली तो जब तक मेरी स्टफिंग होती है तब तक मैंने बेल ली थी सारी की सारी रोटियां तो ये ये है और ये देखिए मेरी ठंडी हो चुकी है ये है मावा स्टफिंग और ये हमारी ड्राई स्टफिंग है तो ड्राई स्टफिंग तो फ्रेंड्स अगर आप पाँच से महीने के लिए भी घुजिया रखते हो तो खराब नहीं होती और ये है सांचा तो इसको मैंने तेल अच्छी तरह से लगा लिया है तेल लगाने के बाद मैंने ये रख ली है इस तरह से रोटी इसके ऊपर तेल लगाने से फ्रेंड ये रहता है कि हमारी जो आटा है हमारी जो रोटी है वो नीचे नहीं चिपकती और उसके बाद इसमें फिलअप करूँगी अब मैं स्टफिंग तो स्टफिंग हमें लिमिटेड ही डालनी है ज़्यादा नहीं डालनी अगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में इसके अंदर डालेंगे तो फिर वो फट सकती है और फिर हम इसको बंद करने के लिए रीढ़ों में लगा लेंगे पानी और इस तरह से प्रेशर देने के बाद हम एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल लेंगे और ये रेडी हो चुकी है देखिए हमारी कुछियाँ कितनी अच्छी जो हमारी खुची है वो बनकर रेडी हो चुकी है और अब जो है मैं भरने वाली हूं ड्राई वाली और ये जो ड्राई गुजिया रहती है ना फ्रेंड्स ये पाँच से छः महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है हम इसे स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं इसीलिए ना मैं ये नीरज के लिए बना रही हूँ और देखिए जब भी हमें इसे बंद करना है तो थोड़ा सा रीढ़ में पानी लगाया और पानी लगाने के बाद अच्छे से प्रेशर देने के बाद ये देखिए हमारी गुजिया जो है रेडी हो चुकी है तो इसी तरह से ना मैं सारी की सारी गुजिया को रेडी कर लूँगी और ये जो मावा गुजिया है वो मैंने अम्मा जी के लिए भी बनाई हुई है तो फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ी सी मैंने बना ली है एक्चुअली ये मैंने भेजनी है अम्मा जी के लिए तो इसलिए पहले इनको फ़्राई कर लेती हूँ उसके बाद जो है बाकी की सारी गुजिया मैं रेडी कर लूँगी और हमें जब भी इनको बनाना है तो हमेशा मीडियम फ्लेम के ऊपर ही बनाना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए अदरवाइज़ तो क्या होता है ना कि अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर इनको बनाएंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगी बट अंदर से जो है कच्ची रहेंगे और ये देखिए ना गुजिया भी कितनी अच्छी हमारी फुल रही है बाहर की जो इसकी पपड़ी है यानी कि जो रोटी है मैदा है वो कितना अच्छा जो है बिल्कुल फूल गया है तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा आज का दिन तो मेरा इतनी सारी डिशेस बनाने में ही लग गया और सारे दिन ना खड़े खड़े तो टांगों में भी दर्द होना शुरू हो जाती है इतने ज़्यादा थक जाते हैं तो फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं हमारी थाली आप लोग भी इंजॉय कीजिए और बताइएगा कि रेसिपीज आपको कैसी लगी हो आया हां कर रंग रंग के आते जो आता लग और कौन-कौन थे आए रे ता तेरे मित्र सज्जन मेरे था बड़े बारी थे बू को सो मान सुलझिया रे आरे वृक्ष पे आजे निकली मटकी फोड़ा लग रही है क्या-क्या गेम मोहता पर हर एक सी हुई सी आंखे करके मटकी फोड़ने री फिर एकडा रसकसी चलत नो नो तो चलिए फ्रेंड्स ऋषि भी आ गया है होली खेलकर अब इसको भी नहाना है और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा इंजॉय कीजिएगा बाय एंड टेक केयर